कोई डाउट हो तो। 1 to 12 दिया था ना मैंने, 1 to 5 में किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में, 5 to 10 में, उस क्लास में किसी को दिक्कत हो तो आकर के बोल सकते हैं। 5 to 10 में 7 नंबर, चलो 7 नंबर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी एंड मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ रो आर रिलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। सी, हमने क्या पढ़ा था बेटा, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या आया था? जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मान लो हमारा क्या है, अर्थ है जिसकी डेंसिटी कितनी है बेटे, रो है ना। इसका रेडियस क्या है, आर है, और मास एम है। तो एक बात बताओ कि डेंसिटी कितना, क्या होता है डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है, कैपिटल एम। इसका वॉल्यूम कितना है बेटा, 4/3 πr³। सो मास के बदले क्या लिख सकते बेटा, रो इंटू 4/3 πr³। इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम के जगह है रो 4/3 πr³ अपॉन आर स्क्वेयर। क्या होगा बेटा, ये कट जाएगा, क्या बचा, 4/3 πgρr। समझा क्या? तो स्मॉल जी को आप क्या कर सकते हो, इस रूप में भी लिख सकते हो। नहीं समझा? इसी का दूसरा रूप है, दूसरा फॉर्म है, 4/3 πgρr। कौन सा आया बेटे? अच्छा, रो चाहिए अपने को, तो रो बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो देयरफॉर रो इक्वल्स टू जी अपॉन 4/3 πgr, है ना। 3 को ऊपर कर लो बेटे, क्या हो जाएगा, 3g/4πGr, है ना। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। कुछ दिक्कत है बोलो, आया समझ में आपको? नेक्स्ट 10 तक में और कोई दिक्कत हो किसी को? 12, 10 तक पूछ रहा हूँ पगली, 10 तक किसी को नहीं है? 10 टू 15 में 12, अच्छा 12 तक ही दिया था मैंने, है ना। 11 भी, अच्छा मुझे ये बताओ बेटे, मास और वेट क्या होता है आपको पता है क्या? मास क्या होता है, हर्ष बोलो तो बेटा, मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ बॉडी और वेट mg। क्लियर है ना, मैंने बताया है पहले आपको कि नहीं, पढ़ा है ना, ठीक है। मास क्या होता है बेटा, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन अ बॉडी, किसी बॉडी में उसकी कितनी क्वांटिटी भरी हुई है, दैट इज मास। और वेट क्या है, वो फोर्स है जिसके साथ अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है, मास अलग होता है और वेट अलग चीज होता है। मास, ठीक है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। वेट जो कि एक फोर्स है, फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी होता है, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, kg, और वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अंडरस्टूड, ठीक है। मास स्केलर है, वेट वेक्टर है, समझ गए कि नहीं, क्लियर है ना मेरी बात। मास जो है वो कांस्टेंट होता है, वेट वेरी होता है। क्यों? क्योंकि वेट क्या होता है, m इंटू जी, जी क्या होता है, वेरी करता है। कल ही जैसे आपने देखा कि डेप्थ अल्टीट्यूड के साथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जी चेंज होगा तो भाई वेट भी चेंज होगा। आगे बात समझ में, क्लियर है। फोर्स सॉरी मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मास कैन नेवर बी नेगेटिव, बट वेट जो है वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बिकॉज इट्स अ वेक्टर, वेक्टर कुछ भी हो सकता है
है ना, वेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव लेता हूँ, है ना। जो डायरेक्शन पॉजिटिव लूंगा तो उसके अपोजिट का डायरेक्शन क्या होगा, ऑटोमेटिक नेगेटिव होगा। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं किसके बीच में, मास और वेट के बीच में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बात समझ में, अथर मस्त नींद आ रही ना, है सर दुख रहा है, तो फिर क्या करूं, चुटकुला सुनाऊं, है जोक सुनोगे नहीं ना। चलो आ गई क्या इतनी बात समझ में, तो भैया हाँ क्या बोल रहा था मैं, तो अब समझ गए कि वेट क्या होता है, एम इंटू जी होता है, वेट क्या होता है, एम इंटू जी होता है। आई ना बात समझ में। तो बेटा जैसे हम अपनी हाइट चेंज करेंगे, अल्टीट्यूड चेंज करेंगे, तो जी चेंज होगा, कौन सी वाली, छोटी की बड़ी, छोटी जी चेंज हो जाएगी, बड़ी जी, बड़ी जी भी चेंज होगी, वो कभी भी चेंज नहीं होती, बिकॉज वो क्या है, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है। समझ गए, अब भाई जी बदलेगा तो फिर डब्ल्यू भी बदल जाएगा, यानी वेट भी बदल जाएगा। तो क्या बोल रहा है, ए बॉडी हैज अ वेट 72 न्यूटन, व्हेन इट इज टेकन टू अ हाइट h बराबर इतना, इट वुड वेट, ठीक है, इसकी वेट कितनी हो जाएगी, सी। तो भाई उसका वेट कहां पर, ग्राउंड पर है, है ना, वेट ऑन ग्राउंड सॉरी अर्थ कितना, 72 न्यूटन, यही है ना, समझ गए क्या। तो भैया वेट ऑन अर्थ कितना होगा, एम इंटू जी, जी ऑन कौन सा वाला, अर्थ वाला, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। आपसे क्या निकालने बोलता है बेटा, कि जब हम एच बराबर आर पर चले जाएंगे उस समय उसका वेट क्या होगा। तो मान लिया बेटा उस समय उसका वेट डब्ल्यू होगा, तो एम इंटू जी कौन सा वाला लूंगा बेटा, वहां वाला लूंगा, एच वाला, नहीं ना, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। दोनों को डिवाइड मार दूं, एम और एम संपला हो जाएगा, 72 बाई डब्ल्यू इक्वल्स टू जी ऑन अर्थ अपॉन जी ऑन हाइट, समझ गए। अच्छा कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूं, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूं, है ना, अपॉन वाला यूज करूं, क्यों, क्योंकि कितना हाइट है, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, बड़ा है ना, तो क्या यूज करूंगा, वो वाला यूज करूंगा। तो जी ऑन अर्थ अपॉन ये क्या हो गया था बेटा, जी ई अपॉन 1 + h / r का स्क्वायर, दिस वॉज द फॉर्मूला। तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा बेटा, ये और ये संपला हो जाएगा, नहीं समझ आया, कई बच्चों को तो इसी सब में दिमाग खराब हो जाता है, पता है तुमको, पूरा एकदम आश्चर्यचकित हो जाते, ये क्या हो गया, ये धरती ऊपर नीचे कैसे हो गई, है ना, अरे ये समझ में आता है इसको ऊपर किया तो, कितने लोग एकदम मुंडी नीचे और सर ऊपर हो जाता है देख करके, ऐसा सब चीज पक्का ना, क्लियर है ना, ठीक है। तो 1 + h / r का होल स्क्वायर हो गया, अपॉन क्या है बेटा, w, है ना, अपॉन क्या हो गया, w। अब बताओ h कितना दिया है आपके पास, r, r by r क्या हो जाएगा बेटा, 1, तो ये हो गया 72 by w equals to 2 का स्क्वायर, है ना, समझा ना, h बराबर r दिया है, r r कट जाएगा, 1 बचेगा, 2 का पावर 2, तो 72 by w is equals to 4, therefore w equals to 72 by 4, ठीक है, तो कितना हुआ बेटा, 18, वेट कितना हो गया वहां पे, 18 न्यूटन, नहीं ना, समझा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत बेटे, अच्छे से समझा, चलो नोट कर डाला, नोट कर डाला, सबने बुक लाया, आपकी बुक कहाँ है बिटिया, है वेयर इज योर बुक, नहीं है, कभी आएगा, 12 तक हो गए और डाउट है, 12 भी ओके, 12th नंबर, बोलू क्या, मैं समझ रहा हूं कि इसमें तुमको क्या दिक्कत हो रही है, हिंट मैं देता हूं, आगे आपसे बन जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी,
तो चूंकि जी बदलेगा तो टाइम पीरियड ऑब्वियसली बदल जाएगा। आप बना लोगे? चलो ट्राई करो। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है बेटा? 2π√L/g। चलो अब ट्राई करो। किधर मिटाऊं? हाँ किसी का? चेक करो आंसर, चेक योर आंसर। फोर्थ है, गलत आया। करेक्ट आया, समझ गया क्या बोला बेटा मैंने? तो यहां से देखो आपको क्लियर समझ में आ रहा है, 2π क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। लेंथ भी क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। सिर्फ क्या चेंज होगा? जी चेंज होगा, है ना। हाइट पर जाएंगे तो क्या चेंज होगा? जी चेंज होगा। तो देखो टी और एल जी में क्या रिलेशन है बेटा? टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी, है ना। तो क्या बोल रहा है? T1 व्हेन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर रहता है तो T1 है, तो T1 तो उस समय क्या है? ये जी ऑन अर्थ है। बाद में जब वो हाइट पे चला जाएगा तो ये T2 हो जाएगा और ये GH हो जाएगा, है ना। क्या चाहिए अपने को बेटा? T2/T1 डिवाइड कर लूं, T2/T1 1√GE, है ना बेटे। तो क्या हो जाएगा? T2/T1 इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? GE/GH। नहीं ना समझा? अच्छे से समझा तो बताओ बेटे क्या फॉर्मूला यूज करूं? GE/GH, है ना। GH के बदले क्या यूज कर लूं? कहाँ कहाँ जाना है, कितनी हाइट पे जाना है? R। तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा? बड़ा वाला। तो GE/1+H/R का स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा बेटा, ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? स्क्वायर रूट 1+H/R का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बच जाएगा? 1+H/R, H इक्वल टू क्या है? R। तो 1+1 क्या हो जाएगा बेटा? 2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ T2 एंड T1? 2, व्हिच इज ऑप्शन नंबर 4th। अच्छे से समझा बच्चे लोग? कोई दिक्कत है और कोई डाउट हो तो भी बोल सकते हो। पायल कुमारी, हमारा नाम पायल है, है? पायल कुमारी, ठीक है, अंडरस्टूड ना। आगे बढ़ जाऊं मैं, चलो नेक्स्ट हेडिंग। वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विथ डेप्थ, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विथ डेप्थ चलो करें। वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विथ डेप्थ। तो बेटे मान लो ये हमारा अर्थ है। अर्थ कैसा होता है बेटा? सॉलिड होता है, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। और ये इसका सेंटर हो गया, इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। मास कितना है टोटल? मान लो कैपिटल एम है। और इसकी डेंसिटी मान लो कितनी है? रो है। समझ गए क्या बेटे? कोई दिक्कत है? अब हमको ये देखना है कि अगर मैं इससे थोड़ा नीचे चला जाता हूँ, ठीक है, कितना नीचे गया? डी,
सरफेस से कितना नीचे गया बेटा, डी नीचे गया। कुछ दिक्कत है, अच्छे से समझ आ रहा है आपको? तो वहां पर हमें क्या करना है, स्मॉल जी की वैल्यू निकालनी है। यहां पर जो स्मॉल जी होगा उसको मैं जी ऑन डेप्थ कहता हूं, यहां पर जो होगा उसको जी ऑन अर्थ सरफेस बोलूंगा। इसके बीच में अपने को क्या करना है, रिलेशन निकालना है। कुछ दिक्कत है बेटे, बोलो आगे बात समझ में इतनी? ओके अगर मैं इसको डी बोलता हूं तो इसको क्या बोलूंगा बेटा, सेंटर से आर माइनस डी बोलूंगा। कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, अच्छे से समझ आ रहे हैं? आस्था स्टैंड अप। सॉलिड स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था हमने, हाँ? तो मुझे बता दो बेटा, सॉलिड स्फीयर के लिए इंटरनल पॉइंट पर, इनसाइड पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या था? वेरी गुड, शाबाश। पायल बोलो बेटा। डिंपल बोलो। एम अपॉन आर क्यूब, जी एम अपॉन आर क्यूब, शाबाश। आप बोलो बेटा। सृष्टि और उसमें स्मॉल आर क्या है? ऊपर कौन सा आर, नीचे कौन सा आर, दोनों आर सेम है तो फिर कौन सा आर, बोलो हर्ष। स्मॉल आर, सेंटर से डिस्टेंस ऐसा बोलेंगे, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। और कैपिटल आर, रेडियस ऑफ दी स्फीयर, ठीक है, रेडियस ऑफ दी स्फीयर। आई क्या बात समझ में? अरे भाई तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो, पिटाई खाने का मन है क्या तुम लोगों को? ये मत सोचना कि लड़की हो तो छोड़ दूंगा, बैठ जाओ, ठीक है? ऐसा मेरे क्लास में कोई भेदभाव नहीं होता है, सबको बराबर पढ़ती है ना, तो ये मत सोचना कि सर मारेंगे नहीं, सबको बराबर पढ़ेगी। क्लियर है? अभी स्टार्टिंग है इसलिए छोड़ रहा हूँ, वक्त रहते संभल जाओगे तो अच्छा है। क्लियर? इतना एक दिन दो दिन पढ़ी चीज़ें तुम लोग ऐसे भूल जाओगे तो क्या होगा? आपका क्या नाम है बेटा? पलाश। चलो बेटा पलाश खड़े हो जाओ। याद करो मैंने बोला था कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो न्यूमेरिकली किसके इक्विवेलेंट होता है, ऐसा कुछ मैंने बोला था कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो किसी चीज के इक्विवेलेंट होता है। कौन सा चीज था, कौन बोलेगा, बोलो। वेरी गुड आफनान, वेरी गुड। क्लास पढ़ा करो यार, ठीक है? तो बेटा मैंने क्या बोला था, जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड का भी फॉर्मूला क्या था, जी एम बाय आर स्क्वायर था कि नहीं, पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या था, जी एम बाय आर स्क्वायर। इसका भी फॉर्मूला क्या है बेटा, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। आई बात समझ में? तो अगर मैं इस पॉइंट पर फील्ड निकाल लूंगा, है ना बेटे, इस पॉइंट पर फील्ड निकाल लूंगा तो वही किसके बराबर होगा, स्मॉल जी के बराबर होगा, यानी जी ऑन डेप्थ के बराबर होगा। तो बताओ इंटरनल पॉइंट पर क्या होता था, जी ऑन डेप्थ बराबर क्या होगा, बोलो बच्चे, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यू था कि नहीं, बोलो बच्चे। तो जी कैपिटल एम, यहां बताओ तो स्मॉल आर कितना है, आर माइनस डी। कुछ दिक्कत है, आर माइनस डी, अच्छे से समझ में आ रहा है? ये हो गया जी ऑन डेप्थ। तो जी कैपिटल एम, इसको मैं आर स्क्वायर और आर सेपरेट कर दूं चलेगा, बोलो बेटे, चलेगा ना? ये कुछ देखा देखा लग रहा है आपको, व्हाट इज दिस,
जी ऑन अर्थ सरफेस जी एम बाय आर का स्क्वायर है ना बेटे, तो इसके बदले क्या ले लूंगा मैं, जी ई, नहीं समझ आ रहा है ना, आर माइनस डी बाय आर, तो जी ऑन अर्थ सरफेस इज 1 माइनस डी बाय आर, ये है जी ऑन डेप्थ। बोलो समझ आया कि नहीं, अच्छे से समझा? तो बेटे जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा, मैं गहराई में जाऊंगा, तो डी बढ़ेगा कि घटेगा, डी बढ़ेगा कि घटेगा, सरफेस से कंपेयर करना है ना बेटा, सरफेस से नीचे जा रहा हूं, गहराई बढ़ा कि घटा, बढ़ा ना, तो ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, ये वाला पार्ट माइनस हो रहा है ना भाई, तो ये वाला पार्ट कम हुआ ना, नहीं समझ आ रहा है, तो जैसे जैसे नीचे जाऊंगा तो वैसे वैसे क्या होगा, हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कम होता चला जाता है। तो अभी तक हमने दो चीजों का देखा, अल्टीट्यूड यानी हाइट की वजह से, तो हाइट की वजह से भी हमने क्या देखा, घटा, नीचे गया तो भी घटा, नहीं ऊपर गए तो भी घटे, नीचे गए तो भी घटे, नहीं समझा, ऊपर गए तो क्या फॉर्मूला हमने यूज किया, जी ई बाय वन प्लस एच बाय आर का स्क्वेयर है ना, अप्रोक्सीमेट करेंगे तो जी इंटू वन माइनस टू एच बाय आर, और डेप्थ के साथ क्या दिख रहा है, जी इंटू वन माइनस डी बाय आर, ठीक, क्लियर है फॉर्मूला, क्लियर है डेरिवेशन, अंडरस्टूड, कर डालो यहां तक। कल से ना मैं पहले क्लास में आऊंगा तो 5 मिनट पहले तुम लोगों को योगा कराऊंगा, आधे लोग सोते रहते हैं सब तक तुम लोगों का बॉडी फ्री नहीं होगा, कोई ऐसे ओंगता है कैसे ओंगता है, लेक्चर खत्म वो मस्त जाने का, फेस वॉश करने का है ना, और फिर आके बैठने का, थोड़ा सा शरीर में हलचल करने का, ओके क्लियर है, ऐसा मुंह उतरा के नहीं बैठने का, अथर नहीं तो फिर क्या होगा, वही होगा, कल दोबारा पूछूंगा तो कुछ भी नहीं बोलोगे, चुपचाप बैठे रहोगे, देखो बेटा, दिख रहा है ना, जो बेटा पेज नंबर 448 पर, पेज नंबर 448, एग्जाम्पल 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, फटाक से लगा डालो, अच्छा ठीक है, 22 तक करो, 10.22 तक, 10.22 तक कर डालो फटाक से,
फर्स्ट? हाँ, कितनों का आया? वेरी गुड, शाबाश। किसी को बताने की जरूरत है मुझे? फटाफट करो, विद इन 5 मिनट हो जाना चाहिए। कौन तीन हो गए आपसे? 2-3 मैं अभी बताता हूँ। चलो थोड़ा सा देख लो तो फिर आपका वो भी बन जाएगा। जैसा हमने हाइट के साथ परसेंटेज चेंज देखा था, वैसा ही हम क्या कर सकते हैं, डेप्थ के साथ भी परसेंटेज चेंज देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? तो देखो, ये है हमारे पास क्या है ना, क्या आया है बेटा, जी ऑन डेप्थ इक्वल्स टू जी ऑन अर्थ सर्फेस 1 - d/r। ठीक है बेटे, तो इसको मैंने इधर बुलाया, तो g on depth upon g on earth equals to क्या बचा, 1 - d/r बचा। ठीक है, अब इसको इधर बुलाता हूँ, इसको इधर भेजता हूँ, तो d/r equals to 1 - g on depth upon g on earth। क्या बचेगा बेटे, g on earth minus g on depth upon g on earth। इन दोनों में कौन बड़ा है ना, सरफेस पे ज्यादा होगा, नीचे जाएंगे घटते चले जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, चेंज इन जी हो गया अपॉन ये क्या हुआ, ओरिजिनल जी हुआ नहीं। तो बताओ ये हमें क्या देता है बेटा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हो, 100 से मल्टीप्लाई करके। तो ये जो टर्म आया वो परसेंटेज चेंज इन जी है, और वो कितना है भाई, तो d/r into 100 है। आ गई बात समझ में? तो अगर आपको परसेंटेज चेंज इन g चाहिए तो यू हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस। ओके, अंडरस्टूड। चलो अब वो भी बन जाएगा आपसे। सबका आया क्या? ओके finished. किसी को कोई डाउट है बताओ, चारों क्वेश्चन में से? नहीं ना बेटा, गिव मी बुक। टेन पॉइंट टू जीरो, टू वन, टू टू एंड टू थ्री सबका फिनिश हुआ ना? बोलो बच्चे, हटू? हाँ करो करो करो। जल्दी करो, फटाफट करो। बोलो
10.22 बताऊं? हाँ, ऐसे बोलने का, दूसरे का बन गया इसका मतलब हम चुप रह जाएंगे, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। 10.22 क्या बोल रहा है बेटा? एज्यूम अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, हाउ मच वुड अ बॉडी वे हाफ वे डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, इफ इट वेड 100 न्यूटन ऑन द सरफेस, ठीक। तो एग्जांपल 10.22 क्या बोलता है कि वो जब सरफेस पे था तो उसका वेट कितना था? 100 न्यूटन। तो वेट बराबर क्या होता है बेटा? एम इंटू जी। तो अर्थ पर कितना होगा, है कि नहीं? तो ये कितना बोल रहा है? 100 एम इंटू जी ऑन अर्थ। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब बोलता है कि हम चले गए नीचे, कितना नीचे चले गए? हाफ ऑफ द रेडियस, ठीक है। तो वहां पर कितना हो जाएगा? तो मैंने बोला डब्ल्यू, ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा भाई? जी ऑन डेप्थ लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा कि नहीं? दोनों को क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे, एम एम खत्म हो जाएगा बेटा, 100 बाई डब्ल्यू बचेगा, जी ऑन ई बाई जी ऑन डेप्थ बचेगा। बता दो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, जल्दी बोलो, 1 - d/r, ठीक है। ये और ये खत्म हो गया बेटा, 100 बाई डब्ल्यू हो गया। पलट देता हूं मैं, डब्ल्यू बाई 100 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 1 - d/r हो जाएगा। आर कितना बोला बेटा? आधा, है ना, क्या बोला? आधा। तो बेटे 1 - r/2/r, r r खत्म हो गया बेटे, 1 - 1/2 कितना बचा, है ना। तो w by 100 is equals to 1/2, 2 से 50, तो w बराबर क्या बेटा? 50 न्यूटन। तो जब मैं हाफ वे डाउन जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेरी वेट आधी रह जाएगी। तो विच इज द करेक्ट आंसर बेटा? 50 न्यूटन। नहीं ना समझा हमने? समझा, क्लियर है मेरी बात? ठीक, हो गया 2-2, 2-3, 2-3 हुआ कि वेट करूं? चलो, आपके लिए ₹1 का सवाल, जो सबसे पहले बताएगा ईमानदारी से, जो मेरे साथ चीटिंग करेगा या क्वेश्चन मतलब आंसर देख करके, पीछे देख करके, सॉल्यूशन देख करके करेगा, बोर्ड भी फेल करेगा, नीट में भी कुछ मार्क्स नहीं आएगा। गुरुजी की बातें लगती है, पता है ना? तो गुरुजी से चीटिंग नहीं, गुरुजी समझते हो, मास्टर जी, मास्टर साहब, ठीक है, तो उनकी बातें लगती है, ऐसा नहीं करने का। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13, ₹1 का सवाल, जो सबसे पहले बनाएगा, चलो फटाफट लग जाओ काम पे। 13, पेज नंबर 451, चेक पॉइंट 10.2 का 13। हाँ लो, बुक लो, जल्दी लो। किसका आया? वेरी गुड, अफनान का आया। आंसर बोलो बेटे, क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉल। सबका आया क्या? और किसी का आया? ये आपका सी आ रहा है, बी फॉर बॉल, आपका भी बी फॉर बॉल आ रहा है। बाकी किसी बच्चे का? वेरी गुड, शाबाश। बाकी बच्चे क्या? रे लड़की लोग, तुम लोग फिसल जा रहे हो इस क्लास में, जनरली लड़की लोग आगे रहते हैं। आया डिंपल, वेरी गुड, शाबाश। सबका बी फोर बॉल आ रहा है।
ओके सही आया क्या? चेक करो आंसर, चेक करो। बोलो भाई। ठीक है चलो, तो आफनान को हमारे तरफ से 1 रुपया, इसके पास 4 रुपये बाकी है, बकाया था 1 रुपया कैंसिल हुआ, 3 रुपया बचा तुम्हारे पास। ठीक है ओके चलो, बताना है क्या सबसे बना कि मैं बताऊं? अगर एक बच्चे से भी नहीं बना है तो वो बोलेगा, बताऊं? हाँ बोलने का। दो बेटे क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? द डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/n टाइम्स द वैल्यू एट द सरफेस, है ना? बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बेटा कि जी ऑन डेप्थ जो है वो किसके बराबर है? जी ऑन अर्थ का n, 1/n, है ना? जी ऑन डेप्थ क्या है? जी ऑन अर्थ का 1/n। तो बताओ अभी अभी आपने फॉर्मूला देखा था जी ऑन डेप्थ का, क्या GE 1 माइनस डी बाय आर, है ना? GE बाय n, तो ये GE कैंसिल हो गया बेटा, 1 माइनस डी बाय आर इक्वल्स टू 1/n। हमें क्या चाहिए बेटा? क्या चाहिए? डेप्थ चाहिए, तो डेप्थ चाहिए, तो इसको इधर बुला लेता हूँ बेटा, 1 माइनस 1/n बराबर डी बाय आर, n माइनस 1/n बराबर d by r, तो therefore d बराबर r times n minus 1/n, which option is current correct बेटा? option number b, understood ना? ठीक है, कुछ दिक्कत है? चलो फटाक से, ये भी 1 रुपए का सवाल, question number 14, question number 14, 1 रुपए का सवाल, चलो हाँ ले जाओ जल्दी ले जाओ। उस क्लास में किसी का आंसर आता है तो वो भी आकर के इधर बोल सकता है। आपकी बुक कहाँ है बिटिया? बुक नहीं है आपके पास? कभी खरीदोगे? है ही नहीं या लाए नहीं हो? है ही नहीं, कभी खरीदोगे? 11th पार होने दो, फिर 11th का खरीदना, 12th पार होगा तब 12th का खरीदना। ठीक है, हैं? ये मस्त प्लान है। B for ball फिर से आया, बाकी कोई बच्चा देखो, B for ball, बोलो, और किसी का आया? शोमी, हर्ष आया बेटा? अरे वाह आस्था, वेरी गुड। ओ 1 माइनस 2h बाय r, हां वेरी गुड, शाबाश, चलो करेक्ट। डिंपल नहीं, अथर नहीं, काय करते तुम्ही हैं? अफनान चलो ज्यादा वेट नहीं करते, ये लीजिए, ये रहा हर्ष का प्राइस, शाबाश। चलो दो बेटा बुक,
क्या कह रहा है 14 नंबर, इफ द चेंज इन वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज द सेम एज द डेप्थ, सेम एज एट द डेप्थ डी बिलो इट, ठीक है, बोथ एच एंड डी आर मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ के रेडियस से वो क्या है बहुत कम है। दोनों सिचुएशन में बोलता है कि जी का जो चेंज है, चेंज इन वैल्यू ऑफ जी, वो क्या है सेम है, ठीक। तो डी और एच में क्या रिलेशन होगा, तो भाई साहब एक चीज इसने बोल दिया है, डी और आर क्या है बहुत, डी और एच क्या है बहुत छोटा है, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो बताओ जी ऑन हाइट का कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, छोटा वाला g इंटू वन माइनस टू एच बाय आर करूं कि नहीं? अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको पक्का? और उसी तरीके से g ऑन डेप्थ वाला, उसमें तो कोई टेंशन नहीं, उसमें हमेशा एक ही यूज होता है ना, उसमें मैंने ऐसा कुछ कंडीशन थोड़ी लगाया है। मैंने किस में कंडीशन लगाया बेटा, हाइट वाले में लिया है, इसमें तो हमेशा ही क्या होता है बेटा, वन माइनस डी बाय आर, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो बोलता है कि दोनों क्या है सेम है, तो सेम है तो भैया इन दोनों को क्या कर दूं, बराबर कर दूं, है ना, जो यहां पर हाइट पर है वही नीचे डेप्थ पर है, नहीं समझा, अच्छे से समझाना। तो क्या हो गया बेटा, g इंटू वन माइनस टू एच बाय आर बराबर हो जाएगा g इंटू वन माइनस डी बाय आर, जी और g क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया, वन और वन क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, आर और आर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो टू एच बराबर क्या आया डी, ठीक, डी बराबर क्या आया टू एच, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्लियर है मेरी बात, अच्छे से समझे, ओके। चलो ले जाओ बेटा बुक ले जाओ, अगेन एक रुपए का सवाल, क्वेश्चन नंबर 16 है ना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, हाँ 15, क्वेश्चन नंबर 15, एक रुपए का सवाल, आया क्या करना है, सही है क्या, जी भी फॉर्मूला मैंने लिखा था वो सही है, एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी व्हाट वन माइनस डी बाय वन जी, हाफ क्यों लगाई बेटा, सही है हाफ ऑफ इट, हाँ हाफ ऑफ द, ठीक है, हाफ जी वन माइनस डी बाय आर प्लस 1600 क्यों किया, 1600 अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो रेडियस में ऐड होगा कि आर इज इक्वल टू 1600 लेना, गड़बड़ झाला, नहीं नोबडी आया पलाश, विच ऑप्शन, शो मी, ओके शो मी, पलाश, पलाश ने पहले जवाब दिया इस पर थोड़ा सा आप मिश कर गए, चलो अपने वन माइनस टू एच बाई आर नक्को, जी बाय टू सिक्सटीन हंड्रेड का कोई यूज ही नहीं हुआ आपका नको, डी फॉर डॉग लेके आओ, शो मी,
कौन सा लगाया? जी वन वन माइनस टी जी वन प्लस क्या है? वन प्लस एच बाय आर माँ। दो बेटा, बहुत परेशान किया मैंने आज तुमको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है बेटा कि एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो डेप्थ वाले को मैंने जी डेप्थ बोल लिया, हाइट वाले को मैंने जी एच बोल लिया। क्या बोला? उसका क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए। कुछ दिक्कत है? अब अपने को क्या करना है बेटा? बस फॉर्मूला तो रखना है ना? तो क्या हो गया बेटा जी ऑन डेप्थ का? जल्दी जल्दी बोलो, समझ रहे हो ना? इक्वल्स टू हाफ। अच्छा मुझे ये बताओ कितना हाइट बोला है? कितना हाइट बोला है? 1600 किलोमीटर। छोटा मोटा है कि बड़ा है? कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? कौन सा बड़ा वाला? जी अपॉन वन प्लस एच बाय आर का स्क्वायर। नहीं ना समझा बेटे? तो जी ई कैंसिल हो गया, वन माइनस डी बाय आर इक्वल्स टू वन बाय टू वन अपॉन वन प्लस एच। कितना बोला बेटा? 1600 किलोमीटर। आर कितना होता है बेटा? 6400 किलोमीटर का स्क्वायर। नहीं, रेडियस ऑफ अर्थ कितना? 6400 किलोमीटर। तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा बेटा? बोलो। तो ये क्या हो गया? 1 माइनस डी बाय आर इक्वल्स टू 1 बाय डी। ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 4 1 प्लस 1 बाय 4 तो क्या हो जाएगा? 5 बाय 4। 4 ऊपर चला जाएगा बेटा का क्या है? स्क्वायर। तो 1 माइनस डी बाय आर इज इक्वल्स टू 1 बाय 2। 4 का 16, 5 का 25, 2 से 8 है ना? कुछ दिक्कत है? बोलो। देयरफोर 1 माइनस डी बाय आर इज इक्वल टू 8 बाय 25। इसको इधर ले जाता हूं, 1 माइनस 8 बाय 25 इज डी बाय आर। तो क्या बचा बेटा? 25 माइनस 8 कितना बचेगा? 17। 17 बाय 20, सॉरी सही करा ना मैंने, 17 बाय 25 इक्वल्स टू डी बाय आर। व्हाट वी वांट? डी ना? तो देयरफॉर डी इक्वल्स टू 17 आर बाय 25। देखो ऑप्शंस वैल्यू में दिया है तो फिर इसकी वैल्यू रख लेंगे। 17 बाय 25 कितना होता है बेटा? 6.4 इंटू 10 रेस टू 6 मीटर पर मीटर पर सॉरी ओनली मीटर। ठीक है, तो मीटर में है कि किलोमीटर में है? मीटर में है। बस सिंप्लीफाई कर लो इसको। चलो सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आ रहा है। क्या आ रहा है बेटे? सिंप्लीफाई इट। कौन सा मैच हो रहा है? कौन सा? ए आ रहा है। देखो आंसर चेक करो, चेक आंसर। समझ गया?
सभी समझ गए बेटे, आगे बढ़ जाऊं मैं? बोलो क्लियर है ना, बन जाएगा ना। डेप्थ के ऊपर का क्वेश्चन आपसे, हाइट के ऊपर का क्वेश्चन, अल्टीट्यूड, डेप्थ सारे बन जाएंगे आपसे। क्लियर है मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, अगला हेडिंग डालना। थर्ड हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्मॉल जी। तो एक क्या देखा हमने, अल्टीट्यूड, दूसरा हमने क्या देखा, डेप्थ, तीसरा देखेंगे, तीसरा फैक्टर है वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, वेरिएशन ऑफ, वेरी गुड वेरी गुड, स्मॉल भी लिखने का फिर जी भी लिखने का है, सो रही है, नींद आ रही है, सो जाओ, तकिया ओके ला के दो, ऐसे लिखते एस एम ए डबल एल जी स्मॉल जी, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ कैसा है बेटा शेप, फुटबॉल जैसा कि अंडे जैसा, फुटबॉल जैसा कि अंडे जैसा, अंडे जैसा, ठीक है। फुटबॉल जैसा होता तो फिर कोई टेंशन नहीं था, फुटबॉल जैसा नहीं होता, अंडे जैसा होता है, अंडे जैसा मतलब इलिप्टिकल, ठीक है, कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है। अब इलिप्टिकल, इलिप्स में क्या होता है बेटा, हर जगह डिस्टेंस जो है सेम नहीं रहता, रहता है कि नहीं बोलो, तो उसकी वजह से स्मॉल जी की वैल्यू हर जगह सेम नहीं होती। सरफेस, मैं क्या बोल रहा हूं, हमने क्या देखा कि सरफेस पर जो जी होता है वो हाइट के साथ क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, हाइट के साथ घटेगा कि बढ़ेगा, और डेप्थ के साथ घटेगा, लेकिन सरफेस पे ही चल रहा हूं मैं, सरफेस पे ही है ना, एक जगह से अगर दूसरी जगह गया, ठीक है, पृथ्वी के एक जगह से दूसरी जगह गया तो क्या होगा, ये बात कर रहा हूं। तो चूंकि हमको पता है कि अर्थ जो है वो थोड़ा सा इलिप्टिकल है, और इलिप्टिकल में आपको पता है कि ये वाला जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा, और ये वाला जो है वो छोटा होगा, है ना बेटा। इसको अपन क्या कहते हैं, पोल, कौन सा पोल बेटा, नॉर्थ पोल। इसको क्या कहते हैं बेटे हम लोग, साउथ पोल। और इसको क्या कहते हैं, दिस इज इक्वेटर। तो इक्वेटर पर जो है ना सेंटर से दूरी क्या है, देखो ज्यादा, और पोल पर सेंटर से दूरी क्या है, कम। तो यहां पर अगर जी निकालूंगा, जी ऑन पोल, तो जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। तो ये कौन सा वाला बेटा, पोल का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और यहां पर मैं निकालूंगा जी इक्वेटर पर, तो क्या लेना पड़ेगा, जी कैपिटल एम बाय आर इक्वेटर का स्क्वायर लेना पड़ेगा बेटा। नहीं समझ आ रहा है ना आपको, तो बताओ आर पी बड़ा कि आर क्यू इक्वेटर बड़ा, जिसका ये बड़ा उसका ये होगा कि नहीं। तो इस हिसाब से हमें क्या समझ में आ रहा है बेटा, कि जी ऑन इक्वेटर और जी ऑन पोल में कौन बड़ा, पोल बड़ा है ना, पोल क्या बेटा, बड़ा। तो क्या समझ में आया कि जैसे जैसे मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जाऊंगा, बोलो बेटे, इक्वेटर से पोल की तरफ जाऊंगा तो जी बढ़ेगा कि घटेगा, है ना, क्योंकि इक्वेटर पे कम है और पोल पर ज्यादा है। हरी बात समझ में, अच्छे से समझा। तो अगर आपको एक दोस्त बोलता है कि मेरे लिए है ना क्या बोलते हैं, सोना खरीद के ले आना, कुछ पैसे देते हैं आपको और बोलते हैं कि सोना खरीद के ले आना, ठीक है, आप अगर इक्वेटर पोल पर से खरीद के लाओगे और आपका दोस्त इक्वेटर पे रहेगा, क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। पूछो क्यों, है ना, क्योंकि वहां पर जो मिलेगा वो है ना, वहां पर जी क्या है बेटा, ज्यादा है, तो वहां पर वेट क्या महसूस होगा, क्या होगा, ज्यादा रहेगा, और यहाँ पर जी घट जाएगा, वेट क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। आप तो ईमानदार थे, है ना, आप तो क्या थे, ईमानदार थे, लेकिन फिर भी आप क्या हुए, झूठे साबित हुए, है ना, आ रही के बात समझ में। मैं अक्सर कहता हूँ कि फिजिक्स ना
बहुत ही फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है, भरपूर फिलोसफी है फिजिक्स में, है ना। तो यहाँ क्या फिलोसफी है, जरूरी नहीं कि हम हमेशा गलत हो, चीजें गलत दिखने के बावजूद क्या हो सकता है ना, सिचुएशन गलत हो सकता है, हर समय जरूरी नहीं कि इंसान गलत हो, है ना, सिचुएशन गलत हो सकता है। जैसा कि सिचुएशन क्या है, इक्वेटर पर का है, पोल पर की बात होती तो अलग होती है कि नहीं बेटा, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो पोल पर हमें क्या होगा, ज्यादा जी मिलेगा, और इक्वेटर पर हमें क्या होगा, कम जी मिलेगा, तो वहां पर वेट मेरा बढ़ जाएगा, यहां पर वेट, ठीक है। आ रही बात समझ में, अच्छे से समझा। तो किसी को ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत पतला दुबला है, तो वो पोल पे जाके रह सकता है कि नहीं, पोल पर जाके रहोगे तो आपको मस्त भारी भारी लगेगा, है ठीक, मजा आ गया, समझ गए इतनी बात। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ये पूछा जाएगा बेटा कहां पर ज्यादा कहां पर कम, तो आपको क्या बोलना है, पोल पर ज्यादा इक्वेटर पर कम, क्यों भैया, क्योंकि यहां का आर ज्यादा वहां का आर कम, जहां जी और आर में क्या रिलेशन है, इनवर्स है, तो जहां का कम वहां का ज्यादा, जहां पर ज्यादा वहां पे कम, अंडरस्टूड ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, तीन चीजें देख ली हमने, चौथी चीज देखेंगे, चलो फोर्थ 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 स्टार्ट करें, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस ठीक है। तो बेटा आपको पता होगा जो हमारा अर्थ है या कोई भी प्लैनेट है वो एक साथ दो दो प्रकार का मोशन करता है, कैसा, एक तो सन के अराउंड घूमता है, एक साल में एक चक्कर लगाता है, और एक अपने एक्सिस पे घूमता है, ठीक है, मतलब ये इस तरीके से ऐसे ऐसे भी घूमता जाता है और आगे भी बढ़ता जाता है, आ रही बात समझ में। तो ये जो अर्थ के अराउंड सन के अराउंड घूमता है उसको क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन, और इसको क्या कहते हैं, रोटेशन, ठीक है, आ रही बात समझ में। इसके वजह से क्या होता है, मौसम बदलते हैं, और इसके वजह से क्या होते हैं, दिन और रात होती है, आ रही बात समझ में, है ना, ऐसे घूमने की वजह से मौसम बदलते हैं, है ना, पास आएंगे गर्मी आ जाएगी, दूर जाएंगे ठंडी आ जाएगी, सन गर्म है ना भाई, आग के पास जाओगे तो गर्म हो जाएगा ना, दूर जाओगे तो ठंडी हो जाएगी, होगी कि नहीं, बीच में रहोगे तो ना ठंडा ना गर्म, ऐसे ही चार मौसम होते हैं हमारे पास, है कि नहीं, आ रही बात समझ में। तो उसकी वजह से मौसम बदलते हैं, और इसके वजह से सन इधर है भैया ऐसा गोला रहे, तो इस बार इस तरफ वाले पे रोशनी पड़ेगी उसके लिए दिन है, इधर वाले पर रोशनी नहीं पड़ेगी उसके लिए रात है, वो फिर घूमेगा, इधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर चला जाएगा, ये वाला जग जाएगा, ये वाला सो जाएगा। हम लोग का क्या है सर, हम लोग तो दिन में भी सो लेते हैं, क्या फिजिक्स के क्लास में भी सो लेते हैं, टेंशन ही नहीं है, दिन रात की जरूरत ही नहीं है, पता है कि नहीं। चलो आगे बढ़ूँ मैं, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, दो प्रकार का मोशन करता है, तो इसमें जो ये वाला मोशन है अपने एक्सिस पर घूमने वाला है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रोटेशन कहते हैं। उसके वजह से ही क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है किस पर, स्मॉल जी पर, ठीक है, कैसे वो हमें देखना है। सी बहुत अच्छा है ये, समझने लायक आपके लिए, दिमाग फ्रेश करें, दिमागी कसरत के लिए रेडी हो जाएं। फोर्थ फैक्टर है ना, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक। अब देखो बेटा, अगर हम लोग अर्थ को, चलो अभी प्रेजेंट समय के लिए मैं इसको स्फीयर मान लेता हूं,
स्फेयर होता नहीं है, है ना, परफेक्ट स्फेयर नहीं होता है, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया। तो फिर ये आपको पता है कि अगर आपने क्लास टेंथ तक सोशल साइंस पढ़ी होगी तो उसमें एक सब्जेक्ट हुआ करता था ज्योग्राफी, पढ़ा है ना आप लोगों ने, ज्योग्राफी मतलब साइंस रिलेटेड टू, जियो मतलब होता है अर्थ, तो अर्थ के बारे में जिसमें पढ़ते हैं ज्योग्राफी हो गया। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो हमारा अर्थ है उसके किसी भी पॉइंट को अगर आपको क्या करना है, एड्रेस बताना है उस पॉइंट का, जीपीएस जिसको कहते हो, है ना, तो उसमें क्या बताया जाता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, है ना, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये दो चीज़ों की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थ पर के किसी पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेट कर सकते हैं, इजंट इट, आ रही बात समझ में। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड जो होता है वो लंबा लंबा होता है और लेटिट्यूड जो होता है वो लेटा लेटा होता है, समझा क्या। तो ये जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है जिसको अपन क्या कहते हैं, इक्वेटर, दिस इज व्हाट, इक्वेटर, अंडरस्टूड। और इसके अलावा और भी बहुत सारे लैटिट्यूड्स होते हैं, आ रही क्या बात समझ में। फिर इसमें कुछ कुछ स्पेशल होते हैं, 23 एंड हाफ डिग्री लैटिट्यूड, जो कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारी चीज़ें बोलते हैं, है ना, होता है कि नहीं कुछ ऐसा, इक्वेटर ऑफ कैप्रिकॉर्न ऐसा वैसा कुछ कहते हैं, इंग्लिश मुझे आती नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, समझ गए क्या। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, तो ये सारी चीज़ें, है ना, ये क्या है, लैटिट्यूड है, लेटा लेटा वाला लेटिट्यूड और खड़ा खड़ा वाला लॉन्गिट्यूड, ऐसे याद रखना, लेटा लेटिट्यूड, खड़ा लॉन्गिट्यूड, अंडरस्टूड, क्लियर है। तो बेटे, और ये मान लो ये हमारा एक्सिस हो गया, इसके अबाउट ये क्या हो रहा है, घूम रहा है, घूमने की स्पीड मान लो क्या है, ओमेगा, ठीक है, घूमने की क्या है, स्पीड ओमेगा है, इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से, क्लियर है मेरी बात। तो अगर मैं इस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखूं, मेरा पॉइंट, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, आदमी तो हर जगह है ना, इस अर्थ के हर पॉइंट पर आदमी है ना, हर जगह पर है, एक एक जगह थोड़ी, सारे देश एक जगह थोड़ी है, सब पूरे स्फेयर पे है, आ रही बात समझ। तो यहां पर कोई चीज है, तो इसको अगर आप इससे मिलाओगे ना ऐसा, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, मान लो लेमडा बोलू, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ लैटिट्यूड, एंगल ऑफ लैटिट्यूड, नहीं ना समझा बेटा, कुछ दिक्कत है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ लैटिट्यूड, अच्छे से समझा। तो अब मैं अगर एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात करूं, ठीक है, तो इतने सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, उसको मैं हटाता हूं और एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात करता हूं। हमारी बात समझ में, तो ये हो गया हमारा क्या, इक्वेटर, और यहां पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो ये क्या चीज हुआ बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ, है ना, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ लैटिट्यूड। यहां पर जो बॉडी है उसका मास सपोज क्या है, स्मॉल m है, ओके, स्मॉल m है, और इस अर्थ का मास क्या है, कैपिटल m, और रेडियस क्या है, कैपिटल r है। ये जो अर्थ है वो घूम रहा है कितने से, ओमेगा से, आ रही बात समझ में। सोचो अगर ये चीज घूमेगा तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो अर्थ है वो घूमेगा, जैसे कि फुटबॉल है, फुटबॉल घूमेगा तो ये वाला पॉइंट भी तो साथ में घूमेगा ना, आ रही बात समझ में, है ना, ये वाला पॉइंट भी घूमेगा उसके साथ, नहीं समझ आ रहा है ना। तो आप अगर इसको सिर्फ इस पॉइंट को देखोगे तो वो कैसा करेगा बेटा, यहां पर ऐसा घूमेगा, नहीं समझ आ रहा है, बोलो क्लियर है कि नहीं मेरी बात, ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पर ऐसे घूमेगा, तो ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है क्या, है ना, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, अच्छे से समझ में आया। तो इसका जो रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस है,
और ये जो रेडियस है दोनों सेम है कि अलग है? इस सर्कल का रेडियस और अर्थ का रेडियस सेम है कि अलग है? अलग है, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है हमको, है ना, दोनों अलग है। तो इसको मैंने नाम रख लिया बेटा स्मॉल आर। क्या आपको ये आर पता चल सकता है? कैसे पता चल सकता है बताओ? कैपिटल आर है ना बेटा, इसको तोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, आर कॉस लेमडा आएगा कि नहीं? ये और ये क्या है, बराबर है, तो यही हुआ हमारा आर। नहीं समझा, क्लियर है ना मेरी बात? तो स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, कैपिटल आर कॉस लेमडा। अच्छे से समझा, ठीक। अब एक बात बताओ, क्या हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ा है? सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अच्छे से पढ़ा है। क्या होता है बेटा सूडो फोर्स? व्हाट इज सूडो फोर्स? हाँ जी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर जब भी खड़े होते हैं तो वहां पर सूडो फोर्स लगता है। किधर लगता है बेटा? किसके अपोजिट में? सेंटर के अपोजिट में, सेंटर के अवे, सेंटर के तरफ कौन लगता है? सेंट्रीपिटल। सेंटर के अवे कौन लगता है? सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहां पर जो है ना, इस पर क्या लग चुकी है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, और हम कहां है, इसी के ऊपर है, तो स्यूडो लगेगा। स्यूडो लगेगा कितना लगेगा और किधर लगेगा? तो ये सेंटर है, सेंटर के अवे। कितना फॉर्मूला होता है बता दो मुझे? वेरी गुड, एम ओमेगा स्क्वायर। आर कौन सा लू, स्मॉल आर की कैपिटल आर, है ना, ये सर्कल कंप्लीट कर रहा है ना ये, तो उसका सर्कल लूंगा, रेडियस लूंगा, तो ये क्या आ गया बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छे से समझ में आया? तो ये सूडो लगा इतना उसके ऊपर, और कोई फोर्स इस पर लगेगा क्या? वेट लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या लगेगा? वेट लगेगा। वेट किधर लगेगा बेटा? वेट तो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, यहां पर है ना, ऐसा लगेगा। क्लियर है ना मेरी बात? एम ये क्या है बेटा, सरफेस है ना, तो यहां पर कौन सा जी होगा, जी ऑन अर्थ सरफेस, तो एम जी ई बोलू। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? तो अच्छा, और एक चीज बताओ, ये लेमडा है तो ये भी लेमडा होगा, है ना बेटे, और ये लेमडा होगा तो ये कितना होगा, 180 माइनस लेमडा। नहीं ना समझ आ रहा है? आया? तो बेटे ये जो बॉडी है यहां पर, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक ये और एक ये, है ना, दो फोर्सेस लग रहे हैं। तो नेट कैसे निकालूंगा मैं, दो फोर्सेस का नेट कैसे निकालूंगा बता दो? तो जैसे वेक्टर सॉल्व करते हैं सर, है ना, वेक्टर जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ये दोनों को सॉल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि फोर्स वेक्टर होता है। नहीं तो बताओ क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है? इसको मैं F1 बोलूं, इसको मैं F2 बोलूं, बताओ क्या फॉर्मूला है बेटा नेट का, F नेट का? अरे ये सब तो तुरंत तुरंत बोलना चाहिए, गरज गरज के बोलना चाहिए, तुम लोग तो ऐसे शांत रहते हो। अंडर रूट F1 स्क्वायर, cos थीटा, ठीक है। F1 कितना बेटा, m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r का होल स्क्वायर। F2 कितना, m g ऑन अर्थ का स्क्वायर प्लस 2 इनटू m ओमेगा स्क्वायर r, m g ऑन अर्थ, है ना, इनटू cos, बोलो बोलो, cos थीटा कितना, थीटा कितना, कौन सा एंगल, अरे जल्दी बोलो, है ना, जहां पर टेल टू टेल मिलता है ना, तो क्या हो गया, 180 माइनस लेमडा। आ रही बात समझ में? बताओ कॉस 180 माइनस लेमडा कितना, बोलो बेटे, हाँ साइन लेमडा। माँ कसम तुम लोग क्या ही करोगे यार, हैं, माइनस कॉस लेमडा, है ना, माइनस 2 एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर जी ऑन अर्थ, है ना, कॉस लेमडा, है, क्या बोला था, 180 और 0 और 360 में रेशियो चेंज नहीं होता है, भूल गए सब, सब खा पका के बैठ जाते, इसको क्या हो गया? हाँ
क्लियर है मेरी बात? अब क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करो बच्चे, एम ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आर कितना है बेटे, आर कितना है, स्मॉल आर देखो, आर कॉस लेमडा रख दू तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर ओमेगा रेस टू फोर और आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा, सही किया मैंने, प्लस एम स्क्वायर जी ई का स्क्वायर माइनस टू एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और आर के बदले क्या रख लूं, आर कॉस लेमडा, है ना, आर कॉस लेमडा इंटू जी ई और फिर से कॉस लेमडा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर लेमडा। कुछ दिक्कत है बोलो, एम स्क्वायर ओमेगा रेस टू फोर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा एम स्क्वायर जी ई स्क्वायर माइनस टू एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा इंटू जी ई, ओके। अब देखो क्या होता है, जो ओमेगा है ना, ओमेगा यानी अर्थ के रोटेशन की जो स्पीड होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, आपको पता चलता है क्या पृथ्वी घूम रहा है, पता चलता है क्या, नहीं ना, झूला झूलते तो पता चलता है, वो तो पता चलता है, क्यों, क्योंकि वो तेजी तेजी घूम रहा है ना। अर्थ इतना धीरे घूमता है कि हमें पता भी नहीं चलता, दैट मींस कि उसकी ओमेगा क्या होती है, बहुत छोटी होती है, कोई दिक्कत है, बहुत कम होता है ओमेगा की वैल्यू। अगर कोई छोटी क्वांटिटी पे बड़ी पावर डाल दो क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि अपन उसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो वही हाल इसके ऊपर है, ओमेगा बहुत छोटा है, पावर फोर है, नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा, ओमेगा क्या है, बहुत छोटा है और उस पर पावर फोर है, तो ये क्वांटिटी इतनी छोटी हो जाएगी कि ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा और हम इसको मजे से क्या कर लेंगे, निग्लेक्ट कर लेंगे, समझा ना, क्या करा हमने, निग्लेक्ट कर लिया, ओके। तो फिर क्या बचा हमारे पास, एम स्क्वायर जी का स्क्वायर माइनस टू एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा इंटू जी ई। अब मैं यहां से क्या करता हूं, इस एम स्क्वायर जी स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, ले लो है, क्या होगा बताओ, तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर को कॉमन लिया, यहां क्या बचेगा बेटा, वन, यहां क्या बचेगा, एम स्क्वायर चला गया, जी स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, एक जी कट जाएगा, क्या बचेगा, एक जी बचेगा, नहीं समझ आ रहा है, क्या बचा बेटा, माइनस टू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा बाय जी ई, अच्छे से समझा है ना बेटे, इनमें से क्या बाहर आएगा, एम इंटू जी ई, है ना, और ये बच जाएगा वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा बाय जी ई का पावर वन बाई टू, रूट का पावर क्या होता है बेटा, वन बाई टू, नहीं ना समझ आ रहा है। अब फिर से देखो, ओमेगा क्या बहुत छोटा, उसका स्क्वायर और छोटा, ठीक है, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ना वो क्या हो जाएगी, बहुत छोटी रहती है, तो वन के कंपैरिजन में ये क्या होता है, बहुत छोटा, आ रहा है ना समझ में, जब वन के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा होता है तो याद करो यहाँ क्या लगा सकते हैं अपन, बाइनोमियल लगा सकते हैं, ये वन हुआ, ये एक्स हुआ और ये एन हुआ, क्या हो जाएगा बेटा बताओ, इधर मिटाऊं मैं, इधर मिटाऊं, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एम इंटू जी ई वन माइनस, ये पावर क्या हो जाएगा बेटा, इधर मल्टीप्लाई एन एक्स है ना, तो एन मल्टीप्लाई हो गया वन बाई टू, टू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा अपॉन क्या बेटा, जी ई, ओके, ये टू कैंसिल हो गया, एम इंटू जी ई वन माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर लेमडा बाय जी ई,
अच्छे से समझा बेटे। अब जी ई को अंदर ले जाता हूँ बेटा, ठीक है। तो एम ये हो जाएगा बेटा जी ई, और ये हो जाएगा माइनस, ये जी ई कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा, ठीक है। और ये क्या आया है, एम सॉरी एफ इंटू एफ नेट, है ना। व्हाट इज दिस एफ नेट, समझ गए। अब इस नेट फोर्स को मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, एम इंटू जी इफेक्टिव, मतलब टोटल जी, ठीक है। एम इंटू जी इफेक्टिव इक्वल्स टू क्या हुआ, एम इंटू जी ई माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा, ये और ये कैंसल हो गया। देयर फॉर जी इफेक्टिव जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, जी ऑन अर्थ सरफेस माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा। तो बताओ बेटा, है ना, ड्यू टू रोटेशन क्या है, ओमेगा है, ड्यू टू रोटेशन ओमेगा है, और ओमेगा वाला पार्ट क्या हो रहा है इसमें से माइनस, ये घटा की बढ़ा, घटा की बढ़ा, ओमेगा के कारण ये घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है ना, ये वाला पार्ट माइनस हो रहा है ना। तो जितना ज्यादा तेजी से घूमेगा ये उतना क्या होता चला जाएगा बेटा, कम होता चला जाएगा। ये जितना तेजी से घूमेगा ओमेगा उतना ज्यादा होगा, ये वाला टर्म उतना ज्यादा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ये कम बच जाएगा हमारे पास, नहीं समझा। तो जी क्या होता है, घट जाता है, अच्छे से समझा। तो जी इफेक्टिव इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है अपने को, अच्छे से समझा यहां तक। एक और बात ध्यान से देखें, अगर मैं पोल पर चले जाता हूं, एट पोल, बताओ तो जरा लेमडा कितना होगा, लेमडा इक्वेटर के साथ था ना, तो पोल के लिए ऐसे जाना पड़ेगा, कितना हुआ 90 डिग्री, कॉस 90 कितना बेटा, कॉस 90 कितना, जीरो, कॉस जीरो, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। आ रही बात समझ में। तो एट पोल लेमडा इक्वल्स टू जीरो, वहां पर जो जी होगा, है ना, वहां पर जो जी होगा वही क्या होगा बेटा, जी ऑन ई होगा, नहीं समझा, अच्छे से समझा। दैट मींस कि मैं इसको ये भी बोल सकता हूं जी, मतलब किसी भी अदर प्लेस पर जो जी होगा वो जी ऑन पोल माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा के बराबर होगा, नहीं समझा। यानी सबसे कम कहां, सबसे ज्यादा कहां पे है, पोल पे है, सबसे ज्यादा पोल पे था कि नहीं, पहले भी देखा था हमने ड्यू टू उसके कारण, शेप के कारण सबसे ज्यादा कहां है, पोल पे है, बाकी जगह क्या होगा बेटा, लेमडा होगा, और लेमडा होगा तो उसकी वजह से ये वाली चीजें क्या होगी, घटेगी, घटेगी तो कम रहेगी, समझ गए। तो सबसे ज्यादा कहां पे, पोल पर, ठीक। अब अगर अपन इक्वेटर पे चले गए, एट इक्वेटर, बताओ एट इक्वेटर लेमडा कितना, लेमडा है बकलोल, सोया है क्या, 90 जीरो ना, कॉस जीरो क्या होता है बेटा, वन, तो फिर जी क्या हो जाएगा बेटा, जी पोल माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, नहीं समझा। सबसे कम कहां होता है बेटा, ये मिनिमम है, दिस इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कहां, सॉरी ये पोल पर, ये क्या है, मैक्सिमम है। आगे बात समझ में, तो मैक्सिमम कहां पर होता है, पोल पर होता है, मिनिमम कहां होता है, इक्वेटर पर होता है, कितना होता है, पोल में से माइनस ओमेगा स्क्वायर आर करना पड़ेगा, बाकी जो भी एंगल दिया रहेगा उस एंगल पर पूछेगा तो लेमडा रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा, नहीं ना समझा बट्टे। आगे बात समझ में, अच्छे से, ठीक है। तो ये जो है ना, हमने सारे टाइप के फैक्टर्स अफेक्ट जो करते थे उनको हमने कर डाला, ओके, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करके लाना है कल पूरा कंप्लीट, ओके, फैक्टर्स के ऊपर आपका जो है बन जाएगा बेटा, ये वहां गया वो वाला जो चेक पॉइंट था, कौन सा वाला था, 10.2 था ना, 10.2 पूरा बन जाएगा आपसे, ठीक है। क्योंकि फील्ड आप पढ़ चुके हो, फील्ड पढ़ चुके हो, पोटेंशियल पढ़ चुके हो, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हो, तो 10.3 पूरा बन जाएगा, पोटेंशियल पढ़ चुके हो 10.4 बन जाएगा, ठीक है। तो 10.4 तक आप पूरा करके आओ कल, समझा ना, ठीक है, ओके, अच्छी शाबाश, कंप्लीट, थैंक यू क्लास।